तू जिंदा है? ये कोई जिंदगी है? वक्त बेवक्त यहाँ वहाँ भटकना मरा हुआ ही समझो। फिलोसफर? हाँ हाँ भाई, मैं अभी भी जिंदा हूँ। हेलो भाई लोग, कैसे हो तुम लोग? तो कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वीडियोस नहीं आ रहे थे, बट अब 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, बस कुछ ही बाकी है, उसके बाद रेगुलर वीडियो डालना शुरू कर दूंगा भाई। तो आज हम बात करेंगे, एक आर्टिस्ट है शिवी एक्स, जिसके बारे में पहले भी मैंने इस चैनल पे बात करी, तो उनका एक न्यू सॉन्ग आया जिसका नाम है तेरे नाल। तो भाई पंजाबी सॉन्ग है, तो सॉन्ग के बारे में बात करेंगे, अंडरग्राउंड सीन को सपोर्ट करेंगे, और आप सब भी सपोर्ट दिखाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस सॉन्ग का लिंक है, पहले तो जाके वो सॉन्ग सुनो और कैसा लगा फिर नीचे कमेंट में आके बताओ। आज हम इस सॉन्ग के बारे में बात करेंगे, तो पहले सॉन्ग का छोटा सा क्लिप सुन लो भाई। और मुझे पक्का यकीन है कि भाई आप सबको भी लगा होगा इस सॉन्ग का जो वाइब है पंजाबी मूवी के सॉन्ग के साथ जो है मैच कर रहा है। अगर आप हेडफोन डाल के आंखें बंद करके सुनोगे तो भाई बिल्कुल यही लगेगा कि पंजाबी मूवी का ही सॉन्ग है ये, और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा किसी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ने यह सॉन्ग बनाया है। तो भाई सबसे पहले अगर बात करें तो सब कुछ, म्यूज़िक, मिक्स मास्टर, लिरिक्स, रिकॉर्ड सब भाई ने खुद अकेले किया है, तो बहुत बड़ी बात है। तो किसी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के लिए सबसे टफ चीज़ यही होती है कि सब खुद से करना, तो भाई ने सब खुद से किया है। तो सबसे पहले बात करें सॉन्ग के लिरिक्स की, तो पंजाबी म्यूजिक का यही फ़ायदा है, तो पंजाबी लिरिक्स है, तो भाई पंजाबी तो मेरे को इतनी समझ नहीं आती, तो वो सॉन्ग आपकी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाता है। वहीं सीन इस सॉन्ग के साथ हुआ भाई, पूरा जो वाइब है वो मैच हो रही है, और अगर कान में हेडफोन डाल के आंखें बंद करके सुने तो भाई मज़ा ही आ जाता है। और ये सॉन्ग की वाइब पूरी तरह से मैच हो रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई किसी लड़की का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके लिए गाना गा रहा है। भाई की जो आवाज़ आ रही है बहुत ही क्लीन स्मूथ, बहुत सही आवाज़ आ रही है भाई की, और कि ऐसा लग रहा है कि किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में जाके पूरी तरह से मिक्स मास्टर एंड सब किया है, बहुत सही बात। तो बात करें लिरिक्स की, तो लिरिक्स जैसे एक प्रोफेशनल सॉन्ग के होते हैं उस टाइप के बिल्कुल ही स्मूथ, और भाई की आवाज़ में दर्द के साथ वो लिरिक्स को गाया है, तो बहुत सही भाई। अगर बात करें मिक्स मास्टर की, तो पूरी तरह से प्रोफेशनल स्टूडियो में जाके मिक्स करा हुआ ऐसा लग रहा है, बट भाई ने खुद से किया है, तो शाउट आउट टू शिवी एक्स ब्रो, बहुत सही। और मैं भी एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हूँ, तो खुद से करना बहुत ही टफ होता है, बहुत हार्ड होता है, तो लिरिक्स, मिक्स मास्टर, म्यूज़िक एक नंबर भाई, पूरी वाइब आ जाती है सॉन्ग की। और तो यही सॉन्ग अगर बड़े आर्टिस्ट या किसी बड़े सिंगर ने गाया होता तो भाई अभी 50-100 मिलियन के पार हो जाता। तो भाई अंडरग्राउंड सीन को सपोर्ट करो, ऐसे ही नए नए म्यूज़िक को एक्सपोर्ट करो और फैलाओ पब्लिक तक। और सभी भाई लोग शिवी एक्स भाई के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ वहाँ जाके सुनो, लाइक करो, शेयर करो, और भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो जितना हो सके, और अंडरग्राउंड आर्टिस्ट जितने भी है सबको सपोर्ट करो, बहुत ज़रूरत है अभी हिप हॉप सीन को। तो भाई मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए सॉन्ग सुनो और पूरे वाइब में आ जाओ अपनी बंदी के साथ।